वेलकम डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आर एस सर यूट्यूब चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में एक नई क्लास के साथ में आप सभी के सामने हम लाइव हैं आज का सेशन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड होने वाला है और इस पार्ट के अंदर हम एक तो हमारा एंगल का केस बनता है जिसका पिछली बार भी दो क्वेश्चन आए थे पैसेज वाला क्वेश्चन आया और उससे पहले भी एक क्वेश्चन उसका आया सब टेंडेड एंगल का तो ऑलमोस्ट आता ही रहता है सब टेंडेड एंगल का केस और एक जो हमारा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम एक एनडी दो के अंदर शानदार सा क्वेश्चन आया था डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है तो इनके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं ठीक है आज के सेशन के अंदर शानदार लेवल का कॉन्सेप्ट होगा और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके साथ में एक्जाम्पल्स के साथ में बात करने वाले हैं चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड होगा क्लास नंबर अभी ट्वेल्व ही है और अगर पहले की क्लासें अगर आपने मिस कर दी हो तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा क्या हुआ सही तो है ठीक है वो प्लेलिस्ट में आपके सेव है और आप उन क्लासेस को वॉच कर सकते हैं हमारी अभी तीन क्लासेस रनिंग में है मैथ्स के रिगार्डिंग

और फिर हम बात करते हैं 5 पीएम पर जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास के अंदर 60 परसेंट हमारा बेसिक लेवल होता है एंड 40 परसेंट हमारा मॉडरेट लेवल होता है जबकि इस क्लास के अंदर हमारा 60 परसेंट मॉडरेट लेवल होता है एंड 40 परसेंट हमारा अच्छे क्वालिटी के जहर वाले क्वेश्चन होते हैं तो ज़रूर से आप इनको ज्वाइन करिए दो प्रैक्टिस की क्लासे हैं जो लाइव है और एक हमारी वाई पे क्लास है ये वाली जो क्लास आप देख पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट की क्लास है कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ में नमूने एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ तो हम बता पाते हैं टाइम की कमी रहने की वजह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पैसेज वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं करवा पाते हैं ठीक है तो वो आप एप्लीकेशन की जो क्लासेज हैं उनमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पैसेज पैसेजेंट रीजन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इसके लिए आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर विजय लाइव बेच एनरोल करना होगा जिसका एनरोलमेंट चार्जेस वन टू डबल नाइन रुपीज है आप इस वाले बेच को एनरोल करिए और इस बेच के अंदर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगी आपको मिक्स प्रैक्टिस सेशन मिलेगा लाइव चेड पोल नेगेटिव मार्किंग के साथ में स्कोर और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस का पी भी अवेलेबल होगा ठीक है यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ अगर आप क्लास को लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ का ऑप्शन भी है तो रिकॉर्डेड वीडियो देख भी आप कवर कर सकते हो लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना आप इस क्लास को लाइव देख पाओ एप्लीकेशन की क्लास को उतना ही ज़्यादा आपको फायदा है क्योंकि लाइव क्लास के अंदर एक अट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ रहता है टीम इस पे सारस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक बच्चा ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ से क्लासेज के रिगार्ड इन्फॉर्मेशन जानकारी जो भी आपको जानना जरूरी है वो इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल के जरिए पहुंचा दी जाती है तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे सोल्जर जो आ चुके हैं क्लास में एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में टाइप कर दें आई लव माई पेरेंट्स आई लव माई पेरेंट्स आई लव माई पेरेंट्स उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार वाला सेशन जो कि जबरदस्त लेवल के कॉन्टेंट एंड कॉन्सेप्ट के साथ में होने वाला है जो कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन भी हम करने जाएंगे और वो मैं आपको पहले से शो कर दूँ कि साहब क्वेश्चन जो होंगे आपके जैसे एन डी ए का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने जो पहले क्वेश्चन करवाए थे कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी करवाया था मैं और करवा रहा हूँ वैसा ही कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन पैसेज भी था इसमें और में स्टेटमेंट भी था टोटल तीन क्वेश्चन थे इसमें और तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिए स्टेटमेंट बना दिया और एक पैसेज ये पूरा पैसेज दे रखा है तो तीन क्वेश्चन यहाँ से थे अच्छा कट गया क्या थोड़ा चलो कोई नहीं ये दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन यहाँ से थे ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये आपके जो क्वेश्चन है पाँच सात सात पाँच दस क्वेश्चन है एनडी दो हज़ार बाईस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था वो भी आपका हो जाएगा ठीक है ये आपका इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है और ये हमारा डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये एनडी दो हज़ार इक्कीस के अंदर जो अब तक मैंने कॉन्सेप्ट कराया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है तो बेसिकली हम इन क्वेश्चन को सबटेंडेड एंगल के रिफ्लेक्शन एंगल के बेसिस पे इन क्वेश्चन को करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर ठीक है जब आप ये नमूने करोगे तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा चलो जी पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखो पहले कल की क्लास के अंदर जो मैंने आपको कराया था उसी का जो यूजेज है वो एक दूसरे तरीके से दिया जा सकता है जैसे मान लो कि साहब ये तो हमारे पास एक बिल्डिंग है जी है? ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर साहब एक रावण खड़ा है रावण का पुतला खड़ा है साहब है ना दसानन ठीक है साहब अच्छा एक आदमी देखता है साहब यहाँ से एक आदमी देखना स्टार्ट करता है ये जो बिल्डिंग है ये जो बिल्डिंग है मतलब इसका कुछ भी मान सकते हो आप है न? ना पेडेस्टल मान सकता हूँ ये जो है पेडेस्टल इसकी लेंथ को अगर मैं मान लूँ कि साहब ये तो हमारे पास 50 मीटर है एक आदमी देखना स्टार्ट करता है यहाँ एक आदमी है वो आदमी जब इसकी रावण की आंखों से अपनी आंखों को अगर मिलाता है तो उसका एलिवेशन एंगल जो है वो तो बन रहा है साहब सिक्सटी डिग्री है ना और जब साहब वो इसके फुट के ऊपर देखता है यहाँ पे फुट के ऊपर देखता है तो इस फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो थर्टी डिग्री बन रहा है तो हमें इस केस के अंदर इस रावण की लंबाई निकालनी है रावण की लंबाई कितनी होगी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की चीज़ हमें निकालनी है ठीक है लेंथ निकालनी है तो सर आप ये कहोगे सर कल की क्लास में तो आपने ये जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल होरिजेंटल वाले करवाए थे अब ये वर्टिकल वाला आ गया होरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो कोई डरने की टेंशन आपको नहीं है आप बेटा इस क्वेश्चन को आप 90 डिग्री पर घुमाओ देखो जरा ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है ये अगर सिक्सटी है ये पूरा नाइन्टी है तो ये वाला एंगल बोलो कितना बन गया ये वाला एंगल बन गया थर्टी डिग्री बन गया अगर ये थर्टी है तो ये वाला एंगल बोलो कितना बन गया? 60 बन गया गया अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ नाइन्टी डिग्री पर इस डाइग्राम को अगर मैं घुमा दूँ तो इस डाइग्राम की भावनाएं कुछ इस तरीके से बन जाएगी साहब ये तो बिल्डिंग है ये ओरिजेंटल हो जाएगी और रावण साहब ऐसे हो जाएंगे जी सो जाएंगे रावण साहब ये जी रावण है और यहाँ से हमारे पास एलिवेशन एंगल वगैरह डिप्रेशन एंगल वगैरह जो भी बन रहे थे वो ऐसे बनेंगे ठीक है साहब अब बताओ इसको 90 डिग्री पर मैंने घुमाया है बस कुछ नहीं करा 90 डिग्री पर घुमाने के बाद में इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें गिवन थी और वो कितनी है साहब वो दे रखी है हमें 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर दे रखा है रावण की जो हाइट है वो हमें निकालनी है तो साहब ऐसे केस में ये वाला जो एंगल है देखो कितना बन रहा है सिक्सटी डिग्री बन रहा है सिक्सटी डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना डिग्री बन रहा है थर्टी डिग्री ये तो क्वेश्चन ने जो भावनाएं दे रखी वो है क्वेश्चन ने जो भावनाएं दे रखी है वो है और हमारी भावनाएं ये कहती है साहब कि इसमें आप इसके स्टैंडर्ड डाइग्राम हमने सीखा था थर्टी एंड सिक्सटी के केस में थर्टी एंड सिक्सटी का स्टैंडर्ड डायग्राम याद अगर है कल की क्लास के अंदर डील करवाया था अगर ये वाला एंगल हमारा थर्टी हो ये वाला एंगल हमारा सिक्सटी हो तो ऐसे केस में इसको तो रूट थ्री यूनिट मानोगे आप और इसको आप वन यूनिट मानोगे और इसको आप टू यूनिट के इक्वल मानोगे सही है क्या बात तो साहब ये स्टैंडर्ड डायग्राम था हमारा जो हमने कल की क्लास में डील करा था आप स्टैंडर्ड डायग्राम को कंपैरिजन करो जो आपने डायग्राम बना लिया मैं एक बार इसी के अंदर स्टैंडर्ड डायग्राम फिर से इंक्लूड करता हूँ जब भी थर्टी एंड सिक्सटी का केस होता है तो स्टैंडर्ड डाइग्राम में इसको रूट मानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम वन यूनिट कंसिडर करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम टू यूनिट कंसिडर कर लेते हैं आ गई बात समझ में तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि वन यूनिट बराबर है वन यूनिट बराबर है साहब हमारा पचास मीटर के बराबर है तो हमें कितना यूनिट निकालना है हाइट निकालनी है हमें रावण की और रावण की हाइट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग कितनी यूनिट आ रही है टू यूनिट तो वन यूनिट बराबर अगर फिफ्टी है तो टू यूनिट की लेंथ आप निकाल लो टू यूनिट जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा हंड्रेड मीटर के बराबर आ जाएगा इट इज़ द हाइट ऑफ दसानन रावण की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी रावण की हाइट आ जाएगी हमारे पास हंड्रेड मीटर के बराबर आ जाएगी आगे की बात समझ में बेटा क्लियर चलो जी तो ऐसे जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसी तरीके से आपको देखने को मिले आपको अलग तरीके से भी क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है जैसे एक और क्वेश्चन करवाऊँ मान लो कि साहब एक हमारे पास ये रोड है और इस रोड के अंदर यहाँ पर एक टावर खड़ा है एक बिल्डिंग है है ना एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमने मान ली कि साहब इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो बीस मीटर है इस बिल्डिंग की हाइट है बीस मीटर एक आदमी तो साहब यहाँ पर खड़ा है और एक बाली का साथ यहाँ पे खड़ी है ये दोनों देखते हैं साहब सेल्फी खिंचवाने के लिए दोनों एक तरफे से देख रहे हैं ये साहब ये बालक जब इसकी तरफ देखता है इसके टॉप को जब देखता है तो इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और जब ये बालिका इसके टॉप को देखती है तो इसका एलिवेशन एंगल थर्टी डिग्री है तो हमसे पूछा इस बालक और बालिका के बीच में डिस्टेंस कितनी है बताइए बालक और बालिका के बीच में डिस्टेंस कितनी है क्या बताओगे साहब अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सर इसमें यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे लग सकता है अदरवाइज आप अगर इसमें टें थीटा वगैरह के फॉर्मुले बेसिक तरीके से करना चाहो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हम इसके अंदर बता रहे हैं जो क्योंकि बेसिक चीजें तो आप पहले पढ़ चुके हो टेंथ क्लास वगैरह में अगर थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री का केस हो इस ट्राइंगल में अगर सिक्सटी डिग्री का केस अगर है तो सिक्सटी डिग्री के केस में इसको तो क्या ज्यूम किया जाता है रूट थ्री. और इसको हम क्या ज्यूम करते हैं जी वन अज्यूम करते हैं सही है अगर 30 डिग्री का केस हो तो 30 डिग्री के केस में इसको तो क्या माना जाता है इसको वन अज्यूम किया जाता है और इसको रूट थ्री माना जाता है अगर 30 डिग्री का केस अगर है तो लेकिन साहब हमें तो क्या करना है हमें एक इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये तो है वन यूनिट और ये है हमारा रूट थ्री यूनिट और अगर 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो हाइट अंडर रूट तीन और ये क्या है वन है बेटा ये जो दोनों है वो बराबर होने चाहिए बालिका के अकॉर्डिंग तो वन यूनिट है लड़का कह रहा है रोड थ्री यूनिट है तो किसकी मानी जाएगी मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों को बराबर ही करना भाई मीनार जो है वो छोटी बड़ी थोड़ी होगी लड़की कह दे छोटी है लड़का कह दे बड़ी है नहीं है सर ऐसे केस में हमें इस मीनार की हाइट को बराबर करना पड़ेगा मीनार की हाइट बराबर तब होगी जब ये जो वन है इसको इसकी कॉरस्पोंडिंग यूनिट है इन दोनों को रूट से मल्टीप्लाई कर दो जैसे इसको रूट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट बन गया अच्छा रूट को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री यूनिट हमारा बन जाएगा मतलब लड़की के अकॉर्डिंग अब अगर इसकी हाइट को रूट माना जाए तो साहब लड़की कहती है फिर मेरी दूरी तीन है ये मान के चलो लड़का कह रहा है कि सर इसकी हाइट रूट थ्री है लड़की कह रही है वन है लड़का कह रहा है रूट थ्री है तो साहब लड़की ने कह दिया चलो ठीक है मान लेती हूँ तेरी बात लेकिन फिर जो मेरी दूरी है ना इससे वो फिर तीन होगी रूट थ्री मान लेता हूँ तो ऐसे केस में अब देखो ये रूट थ्री है वो, 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 तो वो किसके बराबर होगा ट्वेंटी बताओ कि अब इस मीनार से बालिका की जो दूरी है वो तीन हो गई और बालक की जो दूरी है वो ऑलरेडी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है फोर यूनिट है तो साहब रूट थ्री यूनिट बराबर है ट्वेंटी वन यूनिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारा ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री मीटर और ऐसे केस में यदि आप फोर यूनिट निकालोगे क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है फोर यूनिट तो फोर यूनिट डिस्टेंस जो होगी वो आप इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो एट्टी अपॉन रूट थ्री मीटर आएगी बालक और बालिका के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई एटी अपॉन रूट थ्री मीटर आ गई हाँ जी पल्ले पड़ गई के बाद चलो साहब ये हमारा काम हो गया आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टाइप नंबर वन अलग स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम टाइप नंबर पहला पहला टाइप ध्यान से समझना मान लो कि साहब ये तो हमारे पास एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है टावर का मतलब मीनार और मीनार हमेशा ऊंची होती है ध्यान रखना बिल्डिंग और टावर जब भी देर का हो तो साहब बिल्डिंग छोटी होती है और मीनार हमारी बड़ी होती है ये तो है साहब हमारे पास बिल्डिंग बिल्डिंग है और ये है साहब हमारे पास एक टावर और साहब आपको क्या दे रखा है इस टावर की जो हाइट है वो तो हमने एच कंसीडर गुणे कर ली इस टावर की जो हाइट है वो तो है एच और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमने कंसीडर कर ली कि बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास ए है तो ऐसे केस के अंदर हमसे ये दे रखा है कि इस बिल्डिंग के बॉटम से अगर मैं देखता हूँ इस बिल्डिंग के फुट से अगर मैं इस मीनार को देखता हूँ तो यहाँ से मुझे एंगल जो दिखाई देता है वो एल्फ़ा एंगल दिखाई देता है एलिवेशन एंगल अल्फा है मैं साहब थोड़ा सा ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर टॉप पे चला गया बिल्डिंग पर जाने के बाद में मैंने टावर को जब देखा तो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल मुझे बीटा दिखाई दिया है ना टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल मुझे बीटा दिखाई दिया तो ऐसे केस के अंदर ये बिल्डिंग की हाइट ये टावर की हाइट और इस बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम से इस मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल अगर कहीं पर आपको दिया हुआ हो तो ऐसे केस में इस मीनार की जो हाइट है वो आप बता सकते हो इस मीनार की जो हाइट होगी एच वो होगा ए कोट बीटा एच बराबर ए कोट बीटा अपॉन कोट बीटा माइनस कोट एल्फा कोट बीटा माइनस कोट एल्फा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जैसे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको एक नमूना करवाता हूँ और उसको आप ध्यान से समझिए मान लो कि साहब हमें ऐसा दे रखा है कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है है ना और यहाँ पर साहब हमारे सॉरी ये तो हमारे पास एक टावर है ये हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैं मान लेता हूँ टेन मीटर हाइट है बिल्डिंग की हाइट है टेन मीटर इस बिल्डिंग का जो बॉटम है इस बॉटम से इस टावर के टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल तो वो तो हमने कंसिडर कर लिया कि सिक्सटी डिग्री है और इस बिल्डिंग के टॉप के जाने के बाद में इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल यदि हम कंसिडर करते हैं तो वो एलिवेशन एंगल 30 है तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए हाइट ऑफ बिल्डिंग बताइए कितनी आएगी हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर कितनी होगी हाइट ऑफ टावर कितना होगा फटाफट से कम, कमेंट करो बताओ जल्दी से कितना आएगा हाइट ऑफ टावर कितना होगा हाई टॉप टावर कितना होगा इसमें कोई नई बात नहीं है तुम चाहो तो इसमें पूरा कैलकुलेट कर सकते हो है ना कहीं बुक में अगर तुम्हें लगे कि छोटा कोई ऐसा दे रखा है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बोलो जल्दी से बताओ कितना आएगा आपको सब कुछ दे रखा है भगवान का दिया हुआ सब कुछ तुम्हारे पास है ये एंगल तो हमारा एल्फा है ये हमारे पास बीटा है ये हमारे पास ए के बराबर है और हमें इस टावर की हाइट निकालनी है और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है एच हमें एच कैलकुलेट करना है एच कितना आएगा तो एच का फॉर्मूला है हमारे पास एच बराबर होगा हमारा ए कोट बीटा ए कोट बीटा अपॉन कोट बीटा माइनस कोट एल्फा कोई बुक में अगर उल्टा दे रखा हो तो उसमें हो सकता है कि एल्फ़ा एल्फा ये मान रखा हो और बीटा ये मान रखा हो है ना तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो इसको तो एच बराबर आ जाएगा ए का वैल्यू कितना है जी ए का वैल्यू है ट्वेंटी कोट बीटा बीटा का वैल्यू है हमारे पास थर्टी और नीचे आ जाएगा हमारे पास कोर्ट थर्टी और माइनस का कोट सिक्सटी आ जाएगा वैल्यू बताओ कितना आएगा कोड थर्टी का वैल्यू कितना होता है कोड थर्टी का वैल्यू होगा हमारा रूट थ्री के बराबर ट्वेंटी रूट थ्री और थर्टी कोड थर्टी का वैल्यू रूट थ्री माइनस कोड सिक्सटी का वैल्यू वन बाई रूट थ्री जब आप इसको सोल्व करोगे रूट थ्री एल लोगे रूट थ्री ऊपर चला जाएगा ट्वेंटी इंटू थ्री आ जाएगा रूट थ्री को इधर मल्टीप्लाई करोगे तीन माइनस ए कितना आ जाएगा दो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा थर्टी मीटर थर्टी मीटर हमारा सही आंसर आ गया आंसर पक्का थर्टी मीटर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा यह है हमारे पास पहले प्रकार की समस्या पहले प्रकार की समस्या अब आ जाओ साहब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिस, रिफ्लेक्शन बेसिस पे अभी सब एंगल है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर लास्ट के दस सालों के अंदर या दस क्वेश्चन अगर आए ना अप्रोक्सीमेटली पांच या छह क्वेश्चन सब एंगल के बेसिस पे आए हाँ जी ये रिफ्लेक्शन एंगल के बेसिस पे ऐसा होता है जैसे मान लो कि कोई नहर हमें दे रखी है या कोई पौंड में पानी दे रखा है ठीक है साहब ये पानी भरा हुआ है हाँ ना कोई रिवर दे रखी हो सकती है कोई झील दे रखी हो सकती है झील में पानी भरा हुआ है तो एक आदमी क्या करता है साहब इस झील से थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर जाके बैठ जाता है यहाँ पे ठीक है एक आदमी इस ये जी जो झील दे देर है या पोण रखा है उसकी सरपेस से ए हाइट के ऊपर बैठा हुआ है ए हाइट पे बैठा है अच्छा ए हाइट पे अगर बैठा है तो साहब उसको एक एच हाइट की एक कोई बिल्डिंग है या मीनार है ये एच हाइट की कोई बिल्डिंग है या मीनार है और अगर इसके टॉप का एलिवेशन एंगल अगर वो देखता है यहाँ से अगर इसके टॉप का एलिवेशन एंगल अगर देखता है तो ये वाला एलिवेशन एंगल इसका एल्फ़ा मिलता है ये वाला एलिवेशन एंगल है एल्फ़ा अच्छा साहब अगर ये जो हमारे पास इस बिल्डिंग का इस मीनार का या टावर का जो टॉप पॉइंट है उसका इमेज भी बनेगा पानी के अंदर उल्टा बनेगा तो साहब अगर इसका इमेज बन रहा है ऐसा आदमी एक ही टाइम पर दोनों चीज़ों को देख रहा है ये जो टर्म है ये वाला ही वो तो काम करेगा हमारा ऑब्जेक्ट का और इसी ऑब्जेक्ट का जब इस रिवर के अंदर इमेज बनेगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा इमेज आएगा ये रिवर ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है ये आदमी यहाँ पर ए हाइट पर बैठकर इसके टॉप का एलिवेशन एंगल तो एल्फा पाता है और जबकि इसका जो इमेज बनता है इस इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बीटा मिलता है पानी के अंदर इसका इमेज बनता है तो इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है बीटा है तो ऐसे केस में एच ए एल्फा बीटा के अंदर एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है एच बराबर एच बराबर ए साइन एल्फा प्लस का बीटा और अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फ़ा साइन बीटा माइनस एल्फा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है बहुत ही काम की चीज़ है पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ भी चुका है एच बराबर ए साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा आ गई बात समझ में बेटा ठीक है साहब अच्छा जरा समझिए साहब इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बनता है जैसे मान लो कि साहब एक हमारे पास एक झील है साहब पानी की झील है और इस पानी की झील के अंदर पर्यटक आते हैं साहब इसको देखने के लिए और यहाँ पर हमने एक नमूना लगा रखा है नमूना है साहब एक हीलियम गैस भर के गुब्बारा लगा हुआ है ये गुब्बारा है साहब है ना ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे को एक रस्सी से बांध कर यहाँ पे टांग दिया गया और इसी गुब्बारे का इस झील के अंदर एक इमेज भी बनता है एक आदमी क्या करता है कलाकारी दिखाता है और यहाँ पर जाके साहब वो बीस मीटर ऊंची हाइट के ऊपर बैठ जाता है 20 मीटर हाइट पर ये जो आदमी बैठा है यहाँ पे चुन्नू मुन्नू पप्पू वाल लो है ना और ये पप्पू देखता है ये जो बैलून है इस बैलून का एलिवेशन एंगल तो साहब उसको नज़र आता है फोर्टी फाइव डिग्री बेलून का एलिवेशन एंगल तो उसको फोर्टी फाइव नज़र आता है और जब साहब वो नीचे नीचे देखता है कि इस झील के अंदर देखता है तो साहब इस झील के अंदर इस बेलून का इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको सिक्सटी नज़र आता है सिक्सटी डिग्री नज़र आता है हमें बताना है इस बेलून की हाइट कितनी है इस बैलून की हाइट कितनी है बताओ ज़रा बैलून की हाइट कितनी है बता सकते हो क्या बताओ ये साहब हमारे को जो गिवन है ना ये हमें ए गिवन है ए ये जो एंगल है वो है हमारे पास अल्फ़ा ये वाला जो एंगल है वो है हमारे पास बीटा हमें एच निकालना है और अभी मैंने एच का ही फॉर्मूला आपके सामने लिखाया है एच बराबर होगा एच बराबर होगा ए साइन एल्फ़ा प्लस का बीटा और नीचे होगा साइन बीटा माइनस एल्फ़ा और वैसे भी नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता चाहे तुम एल्फा माइनस बीटा करोगे तो माइनस में आंसर आए उसको पॉजिटिव कर देना एच आपको आ जाएगा बेलून की हाइट पता चल जाएगी एच बराबर ए साइन एल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस एल्फा तो एच बराबर ए का जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास ट्वेंटी साइन एल्फ़ा प्लस बीटा जब दोनों एंगल को एड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास एक सौ पाँच और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा साइन कितना आएगा माइनस करोगे तो फिफ्टीन आ जाएगा क्या सही है सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टीन आ जाएगा तो ऐसे केस के अंदर साहब ये जो हमारे पास है 105 इस 105 को हम चेंज करेंगे साइन 105 को बोलो क्या लिखा जा सकता है 90 प्लस का 15 लिखा जा सकता है और 90 प्लस 15 बताओ क्या होगा 90 प्लस 15, ये होगा हमारा कोस 15 तो 20 इन कोस फिफ्टीन और अपॉन होगा हमारा साइन 15 होगा कोस अपॉन साइन बोलो क्या होगा कोस अपॉन साइन होगा हमारा कोट 15 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20 कोट 15 आ जाएगा और कोट 15 का वैल्यू आप जानते ही हो कोट 15 का वैल्यू कितना टेन फिफ्टीन का कितना होता है टू माइनस रूट थ्री तो कोट फिफ्टीन का टू प्लस रूट थ्री होता है तो ट्वेंटी इंटू टू प्लस का रूट थ्री मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वेंटी इंटू टू प्लस का रूट थ्री मीटर सही आंसर बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ भी हो तो बता दो आगे आंसर यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हिसाब एंगल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबटेंडेड एंगल सब टेंडिड एंगल बहुत ज़्यादा साफ सब एंगल का मतलब होता है अंतरित कोण अंतरित कोण अंतरित कोण क्या होता है और बेसिक एंगल क्या होता है बेसिक एंगल तो यह है जैसे मान लो कि कोई कोई भी आइटम है यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ देख रखा है तो उसका एलिवेशन एंगल वो होता है लाइन ऑफ साइट और उसकी होरिजेंटल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं है ना सही है ये एंगल जो होता है ये बेसिकली हम इसको एंगल कंसीडर करते हैं जबकि सबटेंडेड एंगल जो होता है वो ये होता है कोई भी एक पूरा आइटम है जैसे मान लो एक पूरा आइटम है और ये पूरा आइटम का इसका टॉप एंड बॉटम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल ये जैसे मान लो ये आइटम है और इस आइटम का कोई यहाँ पर एक पॉइंट है तो साहब इसका टॉप तो ये रहा और इसका बॉटम ये रहा इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को बोलते हैं हम सबटेंडेड एंगल बोलते हैं अंतरित कोण बोलते हैं आगे के बाद समझ में सबटेंडेड एंगल होता है ये वाला एंगल सबटेंडेड एंगल होता है तो ऐसे केस में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि ये जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग है जी ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर मान लो कि कई बार झंडे का ही क्वेश्चन आया हुआ है तो मान लो कि साहब यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है और इस झंडे का एक पॉइंट के ऊपर सबटेंडेड एंगल है ये जो झंडा है इस झंडे के टॉप और एक बॉटम को अगर मैं मैच कर दूं तो यहां पर ये जो एंगल है वो है सब एंगल जिसको हमने बीटा कंसीडर कर लिया ये ही है सब एंगल सब एंगल सब एंगल का केस है सब एंगल अंतरिक कोण है बीटा ये वाला एंगल अगर मान लो कि मैं अल्फा कंसीडर करूं इसकी जो हाइट है वो मान लो कि मैं एक्स कंसिडर करूँ यहाँ से ये बिल्डिंग की हाइट है और अगर मैं इस झंडे की हाइट को अगर मैं वाई कंसिडर करूँ तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं बेटा ये वाला जो एंगल है वो हमारा बीटा है ये वाला एंगल एल्फा है तो पूरा एंगल कितना हो गया पूरा एंगल हो गया एल्फ़ा प्लस बीटा तो सबसे पहले तो अगर अपन एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा टेन एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस को आप कुछ भी मान लो मान लो कि एल मान लिया तो ऐसे केस में टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर परपेंडिकुलर तो है हमारा x प्लस वाई और बेस बोलो क्या है एल है और सेम अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर फॉर्मूला लगाएं टेन अल्फा का तो आ जाएगा हमारा टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर अब जो होगा वो कितना रहेगा x एंड बेस जो रहेगा वो हमारा l रहेगा ये हमारे पास दो इक्वेशन आएगी और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं सर ज़रा समझना बात को अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारा टेन अल्फा प्लस का बीटा और अपोन आ जाएगा टेन अल्फा बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपोन एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपोन एक्स लिख लो ये एक्सप्रेशन जो है यही सबटेंडेड एंगल के क्वेश्चन को हमसे सोल्व करवाएगा सबटेंडेड एंगल के क्वेश्चन को यहीं से हम सोल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनता है ये जैसे मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करवा दें हाँ जी जैसे ये रहा एनडी 2021 में ही क्वेश्चन आया और आपको क्या दे रखा था छह मीटर लंबी एक सीढ़ी और किसी उर्द्वादर ध्वज दंड के सिर से छह मीटर नीचे तक पहुंचती है ये मान लो कि एक झंडा लगा हुआ है साहब यहां पे एक झंडा लगा हुआ है और ऐसा है ये और यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है ये झंडा लगा हुआ है आपको दे रखा है छः मीटर लंबी एक सी है छः मीटर लंबी एक सी है और ये साहब हमारे पास एक सी है छः मीटर लंबाई है इस सी की जो लेंथ है वो है सिक्स मीटर है और ये ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है छः की जगह नाइन करके एक बार क्वेश्चन और आ चुका है ये हमारे को कितना दे रखा है सिक्स मीटर दे रखा है छः मीटर लंबी सीढ़ी है और झंडे से छः मीटर नीचे पहुँचती है इसका मतलब ये भी हमें कितना दे रखा है सिक्स ही दे रखा है सही है और हमें क्या दे रखा है सी के पाद से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण ये है सी का फुट पॉइंट और उससे ध्वज दंड के शीर्ष का मतलब इसका जो टॉप है उसके साथ में पूरा जो एंगल बनता है ये पूरा एंगल बता रखा है आधा नहीं है सब टेंट नहीं है ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री है सेवेंटी फाइव है ध्वज दंड की ऊंचाई कितनी है हमें बताना है इस पूरे की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है ऐसे केस में आप मुझे ये बताना ये एंगल हमारा पूरा कितना है जी ये पूरा एंगल है सेवेंटी फाइव तो साहब ये एंगल कितना जी नाइन्टी है तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया ये वाला एंगल कितना है जी फिफ्टीन है सही है क्या अच्छा जी अगर बात कर मैं करूँ इस ट्राइंगल की बात करूँ ये जो ट्राइंगल है ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के अंदर देखो आप दो साइड इक्वल है कौन कौन सी ये हमारे पास सिक्स है जो सी की लेंथ थी सिक्स है और एक ये छः मीटर नीचे पहुंच रहा था तो ये भी सिक्स है ये भी सिक्स है जब ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये ये दोनों बराबर होंगे इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स अपटेंड करती हैं इसके सामने फिफ्टीन है तो इसके सामने भी क्या होगा फिफ्टीन तो यहाँ पर भी कितना है फिफ्टीन अब तुम्हें पता चल गया चमक गया क्वेश्चन अगर ये फिफ्टीन है ये पूरा 75 था तो ये कितना आएगा जी ये हमारा 60 आ गया अब हम हाइट निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं हाइट कितनी आएगी आपको क्या क्या दे रखा है देखो इस ट्राइंगल में ये छह मीटर दे रखा है तो इस वाले ट्राइंगल में आप पहले फॉर्मूला लगाइए इस ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाओ हमें काई की जरूरत है हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है हमें गिवन क्या है हाईपोटेनियस तो आप साइन सिक्सटी का फॉर्मूला लगाओ साइंस सिक्सटी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहां से पी का हमें पता चल जाएगा सिक्स इंटू साइन सिक्सटी और साइंस सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू मतलब थ्री रूट थ्री थ्री रूट तो हमें पता चल गया है। यहां से लेकर यहां तक पता चल गया थ्री रूट थ्री तो है ना आप चाहो तो इसके अंदर बेस भी निकाल सकते हो बेस से भी हो जाएगा बेस निकालने के बाद चलो बेस भी निकाल लेते हैं कोस सिक्सटी बराबर बोलो क्या आएगा कोस सिक्सटी अगर इसी ट्राइंगल में कोस का फॉर्मूला लगाऊं तो कोस 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कितना है सिक्स है तो यहाँ से बेस जो आएगा वो आएगा हमारा सिक्स इंटू कोस सिक्सटी का वैल्यू वन अपॉन टू तो बोलो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा मतलब बेस कितना आ गया थ्री आ गया यहाँ से यहाँ तक थ्री पता चल गया आप अगर इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाते हैं पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे किसका टेन सेवेंटी फाइव का तो आएगा टेन सेवेंटी फाइव बराबर पर पेंडिकुलर अच्छा ये तो पता चल गया ना अभी क्यों करना है हमें कैलकुलेशन फालतू क्योंकि छः मीटर नीचे पहुँचता है तो छः मीटर के नीचे कितना है वो ही प्लस कर दो आप काम खत्म है ना ये हमें पता था छः है ये हमें पता चल गया तो दोनों को प्लस कर देंगे सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री रूड थ्री मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा क्लियर है क्या डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा है ना चलो साहब अब देखो एक जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में जो क्वेश्चन एक 2021 में भी क्वेश्चन था शायद हाँ हाँ ये देखो क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपको दे रखा है अस्सी मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ पर बीस मीटर ऊँचाई एक झंडा लगा हुआ है ये हमारे पास एट्टी मीटर का एक पेडेस्टल मान सकते हैं अपन और इसके ऊपर 20 मीटर ऊंचाई का एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो तो है हमारा 20 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लगा हुआ है हमारा 80 मीटर लगा हुआ है और हमें क्या बोला है इस स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी के ऊपर 50 मीटर चले जाओ और 50 मीटर जाने के बाद में झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये जो पूरा फ्लैग है वो अल्फा एंगल सब्टेंड करता है अल्फा एंगल अगर सपटेंड करेगा का मतलब ये है कि इसके टॉप एंड बॉटम को किसी फिक्स पॉइंट पर मेज कर दें तो ये जो एंगल आएगा वो हमारा एल्फा बनेगा ये एंगल हमारा एल्फ़ा है क्लियर है अब जरा समझना ये एंगल अगर एल्फा है मान लो कि ये वाला एंगल मैंने बीटा कंसिडर कर लिया सोचना ध्यान से सोचना ये वाला एंगल एल्फा है ये वाला एंगल मैंने बीटा मान लिया एल्फा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ये है सब टेंडेड एंगल का केस तो पहले तो आप मुझे ये बता दो टेन बीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्राइंगल में टेन बीटा किसके बराबर होगा कि सर टेन बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है हमारा एटी अपॉन और बेस जो है हमारा फिफ्टी है ये लो जी टेन बीटा का वैल्यू हमें पता चल गया एटापोन फाइव है ठीक है अच्छा जी अगर अपन बात करें टेन अल्फा प्लस बीटा की टेन अल्फा प्लस बीटा तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा टेन एल्फा प्लस बीटा अगर मैं पूरा एंगल कंसिडर कर लूँ ये पूरा एंगल तो परपेंडिकुलर कौन सा ये पूरा बेस कौन सा ये सा ये पूरा जो है वो है हमारे पास 80 प्लस ट्वेंटी हंड्रेड और अपॉन 50 अगर आप डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा टू आएगा टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा टू यहाँ से टेन ए प्लस बी वाला फार्मूला आपको लगाना है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आ जाएगा टेन ए और प्लस का टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी और बराबर में बोलो कितना है टू है बस आपको कुछ नहीं करना टेन अल्फा का वैल्यू निकालना है टेन बीटा का वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है पुट कर दो आंसर निकालो तो साहब ये तो है हमारा टेन अल्फा और टेन बीटा का जो वैल्यू है वो है हमारे पास एट अपॉन फाइव बराबर इस पूरे को आप इधर दो से मल्टीप्लाई कर दो टू माइनस का टू टेन अल्फा और टेन बीटा का जो वैल्यू है वो है हमारा एट अपॉन फाइव है क्लियर हो गई क्या बात आप अगर इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो टेन अल्फ़ा कॉमन ले लो यहाँ तो बचेगा वन इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये आ जाएगा सोलह बटे पाँच सही है और इस पूरे को इधर ट्रांसफ़र कर लो टू माइनस एट अपॉन फाइव आ जाएगा सोल्यूशन जब आप इसका करोगे तो टू अपॉन फाइव आ जाएगा सही है टेन अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो इसका डिवाइड कर दो टेन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा दो बटे पाँच यह आ जाएगा इक्कीस बटे पाँच इक्कीस बटे पाँच का डिवाइड कर दो तो साहब पांच से पांच कैंसिल तो दो बटे इक्कीस हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन है आई थिंक क्लियर हो गया होगा बह बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का क्वेश्चन ये बनता है बेटा ठीक है मान के चलना क्योंकि अभी देख लो आपके सामने ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं चलो देखो इस बार जो क्वेश्चन आया है एनडी 2021 के अंदर 2023 का क्वेश्चन ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बेस पे था इसी क्वेश्चन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है बीस मीटर लंबा एक ध्वज दंड दस मीटर ऊंचे एक खंबे पर खड़ा है जमीन से एक बिंदु P पर ये कोण बनाता है देखो यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे तो सब एट एंगल टेन इनवर्स जीरो ग्राउंड एंड थीटा बी by the pillar ऑन दिस पॉइंट P। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन ध्यान से समझना ये तो साब है हमारे पास पिलर ये तो है पिलर ठीक है और इस पिलर के ऊपर लगा हुआ है एक फ्लेग जिसकी जो हाइट है वो देर की है ट्वेंटी मीटर यहाँ पे एक फ्लेग लगा हुआ है ऐसा और इस फ्लेग की जो हाइट है वो तो है ट्वेंटी मीटर और टेन मीटर ऊंचे खंबे पे खड़ा है ये साफ़ टेन मीटर है यहाँ से यहाँ तक तो है टेन मीटर और इसके ऊपर ट्वेंटी मीटर का हाइट का एक फ्लेग लगा हुआ है ये वाला आपको क्या दे रखा है ये जो फ्लेग है एक एंगल सबटेंड करता है एक पॉइंट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको दे रखी होगी और वो कितना है जब मीन से एक बिंदु पी पर टेन इन्वर्ट जीरो पॉइंट फाइव एंगल बनाता है चलो क्या कोई बात नहीं इससे तो कर लेंगे अगर एंगल सबटेंड करेगा एंगल सबटेंड करेगा ये फ्लैग अगर एंगल सब्टेंड करेगा तो सबटेंडेड एंगल ये होगा और इस एंगल को अगर मैं अल्फा कंसीडर कर लूँ तो ये अल्फा बराबर आपको दे रखा है टेन इनवर्ट जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव का मतलब क्या है एक बटे दो है अगर ये वाला एंगल अगर अपन बीटा कंसीडर कर लें बीटा है तो आपको क्या पूछा गया है आपको खम्बे के तल से एक्स की दूरी ये है साहब खम्बे का तल और ये दे रखा है पी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पूछी गई है कि वो एक्स है तो ऐसे केस में क्या करोगे आप हाँ ऐसे केस में क्या करोगे आपको ट्वेंटी दे रखा है टेन दे रखा है टेन अल्फा दे रखा है टेन बीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो कैसे निकालोगे मैं इसको टेन अल्फा का ये टेन अल्फा का वैल्यू हमारे को पता चल जाएगा कि टेन अल्फा बराबर बोलो कितना है जी टेन अल्फा बराबर है एक बटा दो सही है अगर यहाँ से हम टेन बीटा का फॉर्मूला लगाएं टेन बीटा टेन बीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा परपेंडिकुलर कितना है टेन और बेस बताओ कितना है एक्स अगर मैं इस पूरे के अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो फार्मूला लगेगा टेन एल्फा प्लस बीटा का टेन एल्फा प्लस बीटा क्योंकि ये पूरा एंगल एल्फा प्लस बीटा है टेन एल्फा प्लस बीटा में हाइट ये पूरी कंसिडर कर जाएगी जो कितनी है जी थर्टी और अपोन बेस बोलो कितना है एक्स है ये हमारे पास पहला इक्वेशन है ये दूसरा इक्वेशन है हम दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड करेंगे मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा को हम डिवाइड कर देंगे टेन बीटा से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड यदि हम करते हैं तो आ जाता है थर्टी अपॉन टेन मतलब कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा क्लियर हो गई बात बेटा यहाँ से टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ टेन बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा ये टेन बीटा ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री टेन बीटा और इंटू वन माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा आ जाएगा जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पुट कर लो और बाकी की हम कैलकुलेट करेंगे हमें बीटा का वैल्यू निकालना है ठीक है जी अच्छा ये एंगल थीटा बना रहा था ये एंगल थीटा दे रखा था बीटा की जगह थीटा दे रखा है बीटा बराबर है थीटा चलो बीटा का वैल्यू निकालना है हमें तो टेन एल्फ़ा का वैल्यू कितना है एक बटे दो टेन एल्फा का वैल्यू एक बटा दो प्लस टेन बीटा टेन बीटा बराबर थ्री इंटू टेन बीटा और वन माइनस टेन एल्फा का जो वैल्यू है वो है वन अपॉइंट टू इंटू टेन बीटा अपन टेन बीटा की जगह कुछ वैल्यू मान लेते हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा ठीक है इसकी जगह हाँ अपन मान लेते हैं टेन बीटा की जगह के मान लेते हैं तो ये आ जाएगा एक बटे दो एक बटे दो प्लस टेन बीटा है और टेन बीटा को हमने क्या कंसिडर कर लिया के कंसिडर कर लिया टेन बीटा को हमने के कंसिडर कर लिया यहाँ पे टेन बीटा की जगह के और यहाँ पर भी के तो थ्री के और वन माइनस का के बाई टू थ्री के इक्वल टू होगा थ्री के और वन माइनस के अपॉन टू होगा क्लियर इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वन प्लस का टू के और बराबर आ जाएगा साहब इसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई करोगे ये टू साहब कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा थ्री के इंटू टू माइनस का के आ जाएगा सही है, ये आएगा थ्री के स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने थ्री के स्क्वायर या आ जाएगा सिक्स के इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का आ जाएगा फोर के और प्लस का वन बराबर बोलो कितना जीरो यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो इसके फैक्टर बनाना थ्री के स्क्वायर माइनस का थ्री के माइनस का के प्लस का वन इक्वल टू जीरो और यहाँ से हमने फैक्टर निकाला थ्री के के माइनस वन और माइनस का वन के माइनस वन बराबर जीरो तो यहाँ से के का एक वैल्यू तो आ रहा है वन और एक के का वैल्यू आ रहा है वन अपॉन थ्री एक्चुअल में के ही क्या था टेन बीटा और बीटा को मैंने थीटा लिख दिया टेन थीटा बराबर वन और टेन थीटा बराबर एक बटा तीन इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है अब ऑप्शन देखना क्या पूछा है ऑप्शन पहला ऑप्शन देखो जरा हाँ हाँ रुको बहुत जबरदस्त क्वालिटी का क्वेश्चन बनता है आपको ये पूछा है क्या एक्स के दो मान पॉसिबल हैं जो एक अनुपात तीन में एक्स की बात हमने करी नहीं है एक्स की बात नहीं करी अब एक्स के जो दो मान पॉसिबल होंगे ये पूछ रहा है बेटा एल्प बीटा के कितने मान पॉसिबल है कि सर बीटा के तो दो वैल्यू पॉसिबल है टेन बीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि सर टेन बीटा का वैल्यू एक हो सकता है और एक बटे तीन हो सकता है जब मैं एक लिखूंगा एक बटे तीन लिखूंगा तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएगी तो इसने बिल्कुल सही बोला है कि एक्स के दो मान हो सकते हैं जो एक अनुपात तीन में होंगे मैं क्लियर भी कर दूँ आपको कि एक्स के दो मान कैसे होंगे कि साहब हमारे पास टेन बीटा बराबर कितना था टेन बीटा टेन बीटा बराबर था हमारा टेन अपोनक्स था और टेन बीटा की वैल्यू दो आई एक तो कितना आया वन और वन अगर मैं इसकी जगह लिखूंगा तो एक्स बराबर बोलो कितना आया टेन दूसरा जो हमारे पास टेन बीटा का वैल्यू था एक बटे तीन था तो टेन अपॉन एक्स बराबर एक बटे तीन यहाँ से हमारे पास एक्स बराबर बोलो कितना आ जाएगा थर्टी आ जाएगा एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है क्या ये वन रेशो थ्री में है क्या दोनों का रेशियो निकालोगे तो टेन अपॉन थर्टी मतलब वन रेशियो थ्री तो बिल्कुल सर सही बात है कि वन रेशो थ्री में होंगे है ना वन रेशो थ्री में होंगे एक्स के दो मान हो सकते हैं एक अनुपात तीन में एक्स ध्वज दंड की ऊंचाई के बराबर हो सकता है क्या ये सही है क्या एक्स क्या ध्वज दंड की ऊंचाई के बराबर हो सकता है क्या बेटा एक्स का हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना कितना वैल्यू आया एक तो टेन आया और एक थर्टी आया एक तो टेन आया है एक्स का वैल्यू और एक थर्टी आया है तो क्या ये पॉसिबल है एक्स का वैल्यू जो है वो हमारे पास या तो टेन आया या थर्टी तो साहब ये दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या दुहस दंड की ऊंचाई के बराबर नहीं सर बराबर नहीं हो सकता तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा करेक्ट है एक्स की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है टेन मीटर या फिर थर्टी मीटर हो सकता है ठीक है ना लेकिन ट्वेंटी नहीं हो सकता तो एक स्टेटमेंट सही है तो साहब ऐसे देखो एनडी के क्वेश्चंस को करने के लिए ऐसे सारे लॉजिक लगते हैं टेन थीटा का संभावित मान क्या है टेन थीटा का संभावित मान हमने निकाल लिया टेन थीटा का मान या तो एक होगा या फिर टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा एक बटे तीन होगा तो साहब एक बटे तीन हमारा करेक्ट आंसर आएगा ठीक है बहुत जबरदस्त क्वालिटी का क्वेश्चन मानता हूं मैं और ये कॉन्सेप्ट कौस है ना ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया था पहले भी करवा रखा था ये डिट्टो फंसने वाले क्वेश्चन है बस थोड़ा एनडीए आप घुमा के देता है तो ये तो आपको करना ही है चलो साहब एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन बेसिस का और बच गया है तो वो डायरेक्शन बेसिस का क्वेश्चन और करवा दूं मैं डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लिखना जरा इसका भी एनडीए 2019 में क्वेश्चन आ चुका है जिस तरीके से पेपर को एडवांस किया जा रहा है हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छा डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको अजम्पन करना होगा मानना पड़ेगा ठीक है साहब थोड़ा सा मानना पड़ेगा जैसे मान लो यार यहाँ पकड़ने के लिए कुछ है नहीं चलो शायद हो सकता है तुम समझ जाओगे यहाँ से अगर साहब हमारे पास देखो चार डायरेक्शन है चार डायरेक्शन है एक को मैं कोई भी कंसिडर कर लूँ मान लो कि अगर ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट है तो ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट होगी ये अगर हमारी नॉर्थ है तो एक डायरेक्शन हमारी होगी साउथ होगी मान लो कि हमने इन चारों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहीं पर हमने एक मीनार खड़ी कर दी ये एक मीनार है या फिर हो सकता है कोई मंदिर हो ये मंदिर है अब साहब इस मंदिर को खड़ा तो ऐसे खड़ना चाहिए था है ना ऐसा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है ये यहाँ पर एक मीनार है और इस मीनार के ईस्ट साइड के अंदर इस मीनार के ईस्ट साइड में एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से इस मीनार के टॉप का एलिवेशन जो एंगल है वो हमने कंसिडर कर लिया ये अल्फा है अरे भाई बात समझ में आई क्या अभी तो मैंने समझाया नहीं है कुछ ये हमारे पास एक मीनार कड़ी है और इस मीनार से इस डायरेक्शन के अंदर पूर्व की दिशा के अंदर एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है इस पॉइंट का इस मीनार या फिर अगर टेम्पल माने मंदिर माने तो उसके टॉप का एलिवेशन एंगल है एल्फा अगर बेटा मैं यहाँ से मानूँ कि अगर इस पॉइंट से 90 डिग्री के ऊपर इस पॉइंट से 90 डिग्री पर साउथ डायरेक्शन आएगी और या फिर नॉर्थ डायरेक्शन आएगी इस पॉइंट से 90 डिग्री पर जाने के बाद में यदि हम देखते हैं कि इसके टॉप का एलिवेशन एंगल तो वो टॉप का एलिवेशन एंगल हमें बीटा नजर आता है तो ऐसे केस के अंदर ये जो डिस्टेंस है अगर इस डिस्टेंस को हम वाई कंसिडर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डी कंसिडर करें तो ऐसे केस में मीनार की हाइट को यदि हम एच कंसिडर करें तो इन सब में रिलेशन होता है और उस रिलेशन के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लिए डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसके अंदर देखो साहब पहले तो ये जो ट्राइंगल हमारा बना है इस ट्राइंगल के अंदर आप फॉर्मूला लगाइए कोट एल्फा का तो कोट अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है एच है तो यहाँ से एक्स बराबर हम निकाल सकते हैं जो क्या आएगा एच कोट एल्फा जाएगा एक्स के बराबर तो आएगा एच कोट एल्फा फिर यदि हम इस ट्राइंगल में देखें इस ट्राइंगल में देखें इस ट्राइंगल में ये मीनासी है समझ पा रहे हो क्या तुम ये वाली मीनासी है तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूंगा तो ये एक तो हमारा एलिवेशन एंगल ये बनेगा एक अगर मैं इस पॉइंट से इधर की तरफ देखूंगा तो एलिवेशन एंगल ऐसे बनेगा ठीक है यहाँ पे डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो आराम से समझ सकते हो ऐसे ये जैसे मान लो यहाँ पर मीनार है ऐसे ऊपर है ना तो एक तो इस वाले पॉइंट से एलिवेशन एंगल और एक इस वाले पॉइंट से एलिवेशन एंगल दो ट्राइंगल बनते हैं अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो इस ट्राइंगल में कोट बीटा बराबर कोट बीटा बराबर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है सॉरी बेस बेस क्या है हमारे पास वाई एंड परपेंडिकुलर क्या है एच यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें वाई का वैल्यू निकालें तो वाई बराबर आएगा हमारा एच कोट बीटा आएगा ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं दो इक्वेशन है एक इन दोनों को यदि हम स्क्वायर करके प्लस कर दें दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा और प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा आ जाएगा ऐसा आएगा इन दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर देखो नाइन्टी डिग्री बन रहा है ये एक्स है ये वाई है तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस को हमने डी मान लिया तो डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर होगा क्योंकि 90 डिग्री ट्राइंगल में पाइथागोरियन थोरम बन रही है पाइथागोरस थोरम तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा और प्लस कोट स्क्वायर बीटा एक बार फिर से सुन लो ध्यान से क्या क्या सारी चीजें क्या क्या है ये हमारे पास एक मीनार है या फिर कोई भी टावर टेंपल हमने मान लिया उस टेंपल के ईस्ट साइड के अंदर एक पॉइंट है उस पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल हमने एल्फा मान लिया इस पॉइंट से 90 डिग्री चलने के बाद में यदि हमने एलिवेशन एंगल देखा तो एलिवेशन एंगल बीटा बन गया मीनार की हाइट एच है जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी वो डी है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री वाले दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस है डी तो ये डी ये एच ये एल्फा और बीटा इनके बीच में एंगल है डी स्क्वायर बराबर रिलेशन है डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर टेन कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा इसका क्वेश्चन है मेरे पास एक बार क्वेश्चन करवा दूँ तो समझ में आ जाएगा आराम से ये ठीक है ये नहीं है ये लो ये वाला देखो क्वेश्चन एक मीनार के दक्षिण की ओर स्थित क्वेश्चन को समझो ध्यान से ये साहब हमने मान ली एक मीनार है और इस जब भी डायरेक्शन दे रखी हो ना ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर दे रखी हो तो क्वेश्चन इसी तरीके से होगा आपका मीनार के दक्षिण की ओर ये हमने मान लिया ये मीनार है साहब और इस मीनार के लिए यहां तो हमने मान लिया ईस्ट है ये हमारे पास वेस्ट है ये हमारे पास साउथ है और ये हमने मान लिया नॉर्थ है इस मीनार के दक्षिण की ओर स्थित कोई बिंदु है ए ये वाला जो पॉइंट है ए है और अगर वो देखता है इसके टॉप का एलिवेशन एंगल उसको बनता है थर्टी डिग्री बनता है थर्टी डिग्री ये मीनार ऐसी खड़ी है इसे सोई भी नहीं है मीनार ऐसी खड़ी है तो इस मीनार के अंदर अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो एक नाइनटी डिग्री का ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा और आप यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद में इसके को देखोगे तो एक नाइनटी डिग्री रखा है कि मीनार का उन्नयन कोण 45 हो जाता है पश्चिम की ओर स्थित बिंदु बिंदु ये है, इस के में स्थित एक बिंदु है और इस इस का एलिवेशन एंगल जो है वो बढ़ रहा है हमारा कितना 45 है हमसे क्या पूछा गया है मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 100 मीटर मतलब एच दे रखा है आपको तो आपको पूछा है तो बताओ ए बी क्या होगा इन दोनों पॉइंटों तो के तो बीच में डिस्टेंस जिसको हम क्या कंसिडर करते थे डी और मैंने ये कहा था कि डी स्क्वायर बराबर बोलो क्या होता है एच स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा और प्लस कोट स्क्वायर बीटा ये हमारे पास आ जाएगा तो डी स्क्वायर हमें कैलकुलेट कर लेना डी स्क्वायर बराबर एच एच का वैल्यू कितना है एच का वैल्यू है 100 100 का स्क्वायर करोगे तो आएगा हमारा 10,000 कोर्ट स्क्वायर एल्फा प्लस कोर्ट स्क्वायर बीटा कोट स्क्वायर थर्टी प्लस कोर्ट स्क्वायर फोर्टी फाइव स्क्वायर थर्टी और प्लस कोर्ट स्क्वायर फोर्टी फाइव थर्टी का वैल्यू कितना कोट थर्टी का वैल्यू होता है हमारा रूट थ्री स्क्वायर करोगे तो तीन और प्लस बोलो कितना आ जाएगा एक और इसको टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा टू हंड्रेड मीटर आएगा बहुत जहरीला क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही जहरीला क्वेश्चन बनता है ठीक है तो इसको क्लियर कर लेना और बाकी इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूँ आपसे जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन है नाव में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि चट्टान के शिखर पर एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो चट्टान की ऊंचाई क्या होगी एक आदमी है नाव में बैठा है साहब यहाँ से है ना और वो देखता है कि साहब यहाँ पे एक तो चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर एक मीनार है ऐसा मीनार है आदमी देखता है क्या देख रहा है कि मीनार की क्या है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल ये जो एलिवेशन एंगल है वो तो है साहब 60 डिग्री और यदि साहब वो रोक को देखता है चट्टान को देखता है इस चट्टान के टॉप का एलिवेशन एंगल जो तो देख रहा है वो कितना देख रहा है 30 डिग्री देख रहा है तो हमें क्या बताना है हमें ये दे रखा है मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 60 मीटर हो आराम से कर सकते हो यार हमसे यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है कि ये क्या है इसकी हाइट कितनी है कितना सीधा सा फॉर्मूला है आप इसके अंदर लगाओ चाहे तो बेसिक तरीका लगा सकते हो नहीं तो साहब कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को मान लो कि मैंने इसको एक्स मान लिया तो इस ट्राइंगल में यदि मैं फॉर्मूला लगाऊँ टेन थर्टी का टेन थर्टी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा टेन थर्टी का वैल्यू कितना वन अपॉन रूट थ्री बराबर सिक्सटी अपॉन एक्स तो एक्स बराबर बोलो कितना आ जाएगा सिक्सटी रूट थ्री आ जाएगा हमें बेस का पता चल गया बेस पता चल गया अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाऊँ तो आ जाएगा टेन सिक्सटी का फॉर्मूला लगेगा टेन सिक्सटी बराबर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अब जो है वो है सिक्सटी प्लस एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस का वैल्यू कितना है एक्स और एक्स का वैल्यू है सिक्सटी रूट थ्री टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री इसको यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वन और इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटी प्लस एच तो यहाँ से एच के बारे में आपको पता चल जाएगा जो कितना है वन ट्वेंटी है एच का चट्टन की ऊंचाई सही है क्या बी ऑप्शन सिक्सटी रूट थ्री कई कैलकुलेशन देखना ज़रा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो गई टेन सिक्सटी टेन थर्टी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस सही है वन बाई रूट थ्री बराबर टेन अपोन एक्स हमने बेस निकाल लिया सिक्सटी रूट थ्री आ गया बेस और फिर टेन सिक्सटी का फोन लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस का वैल्यू है हमारे पास सिक्सटी रूट थ्री और ऐसे केस में एक सौ बीस आना चाहिए हाइट एक सौ बीस ऑप्शन में नहीं है तो फिर नन ऑफ दी जाएगा हैं क्या दे रखा है मीनार की चट्टान के शिखर से अच्छा मीनार की ऊंचाई दे रखी है अच्छा अच्छा उल्टा कर लिया हमने मीनार की हाइट देर की थी हमने चट्टान की हाइट मान ली चलो फिर तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया ये है ठीक है साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो साहब चट्टान थी और ये साहब मीनार है और मीनार की जो हाइट है वो कितनी देर की मीनार की हाइट देर की सिक्सटी मीटर मीनार की हाइट है सिक्सटी मीटर ठीक है अब एलिवेशन एंगल ये जो एंगल है वो तो बन रहा था हमारा सिक्सटी और ये एंगल है वो बन रहा था हमारा 30 अब बेटा 30 60 के केस को तो आप घुमा सकते हो आराम से कैसे ही अगर इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए मैंने कहा था 90 डिग्री घुमाने वाला केस ये अगर 30 है तो ये बोलो कितना होगा 60 होगा ये अगर पूरा 60 है तो ये बताओ कितना होगा 30 होगा इसको नाइन्टी डिग्री पर अगर मैं घुमा दूँ नाइन्टी डिग्री पर अगर घुमा दिया जाए तो साहब वो केस ऐसा बनेगा ये वाला तो आएगा हमारा सिक्सटी ये वाला आ जाएगा हमारा थर्टी यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है कितना है सिक्सटी मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक चट्टान की हाइट है थर्टी सिक्सटी केस में आपको पता है ये कितने के बराबर होता है कि सर ये तो टू यूनिट के बराबर होता है तो टू यूनिट बराबर होता है हमारा सिक्सटी टू यूनिट अगर सिक्सटी है तो वन यूनिट बराबर बोलो कितना आ जाएगा थर्टी तो वन यूनिट क्या है चट्टान की लेंथ जो है हाइट है वो वन यूनिट ही तो है तो कितना आ जाएगा थर्टी मीटर आ जाएगा ए ऑप्शन ठीक है साहब चलो साहब अब आपका काम हो चुका है कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आपको प्रीवियस जो क्लास के अंदर और करवा देंगे ठीक है सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है चलो ये आपको प्रैक्टिस की क्लास में करवाई जाएंगी अब मेरी नेक्स्ट क्लास है थोड़ी सी बड़ी क्लास है <laughs> एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए हाँ जी ध्यान से देखना बेटा हमारा जो टेस्ट लगता है माई राइजिंग एप्लीकेशन पर उस टेस्ट के अंदर हमारी रैंकिंग कुछ इस तरीके से आती है कल शाम को पांच बजे की क्लास का लीडर बोर्ड आइए दीपक प्रजापत पहली रैंक अभय राजपूत पहली रैंक दीपक रोहित चौहान सेकंड रैंक स्वीटी यादव थर्ड रैंक काजल अवस्थी थर्ड रैंक सुशांत सिरोही फोर्थ रैंक आदित्य मिश्रा फोर्थ रैंक किरण काले फोर्थ रैंक है मयंक आगम त्रिपाठी फोर्थ रैंक है एंड शिवेंद्र श्रीवास्तव फिफ्थ रैंक है यहाँ नेगेटिव मार्किंग के साथ में स्कोर आता है जैसे मैंने फिफ्टीन फोर्टीन क्वेश्चन करवाए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फोर्टी नहीं पाते हैं यहाँ पे एक फोर्टीन क्वेश्चन करे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तेरह क्वेश्चन सही करे नेगेटिव मार्किंग के साथ में स्कोर

और ये वाला बैच में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इसके अलावा आपको कोई भी बुक एनरोल करने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन ध्यान रखना सेल्फ स्टडी आप करने के लिए अगर आप ये वाला बैच एनरोल कर लीजिए यहाँ पर हाँ एक नया प्रोसीजर हमने अप्लाई करा है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है सी पी पी एंड एस पी पी सी पी पी जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है उस चैप्टर के बेसिस पे पच्चीस तीस क्वेश्चन जो एडवांस और लेवल के होते हैं वो आपको सी पी पी में विद सोल्यूशन दिए जाते हैं एंड एस पी पी में जैसे ही पंद्रह दिन से जितना सिलेबस हुआ है उसका एक मॉक टेस्ट सेमी मॉक टेस्ट हम मान सकते हैं वो मॉक टेस्ट हम अपलो अपलोड करेंगे विद सोल्यूशन तो जरूर से आप ये वाला बेच एनरोल करके आप अपनी स्टडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं सेल्फ स्टडी आप करना चाहो तो इससे लाइव स्टडी करना चाहो तो इससे अगर फिर भी कोई दिक्कत हो समस्या हो परेशानी हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग आपको डाउट फिर भी आ जाए बेचिजा का आप मुझे कॉल करिए चार से लेकर पाँच बजे मेरा नंबर आपको दे रखा है और अगर फिर भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करिए मिलता हूँ आपसे मेरे अगले सेशन में तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम